पुलिस ने 5 दिन पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के किराए की आवास पर हुई चोरी प्रकरण का राजफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी किया गया लैपटॉप, LED वूफर व घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों में 2 सगे भाई भी शामिल है। SP ने पुलिस के लिए चुनौती बने चोरी के मामले का खुलासा करने वाली टीम को 20,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का चालान कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक OP सिंह ने सोमवार को कोतवाली प्रांगण में प्रेस वार्ता आयोजित करके बताया कि विगत 16-17 नवंबर को कस्बे के मुख्य पानीपत खाटीमा राजमार्ग पर अंबा मैरिज होम के निकट स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के किराए के आवास का ताला तोड़कर लैपटॉप, LED व वूफर चोरी कर लिया गया था। घटना के खुलासे को SOG व सर्विलांस समेत 4 टीमों को लगाया गया। गत रविवार देर रात्रि करीब 9:45 बजे पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान गाँव मन्ना माजरा के निकट स्थित बाईपास ओवरब्रिज के नीचे से घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से ADG के आवास से चोरी हुआ लैपटॉप, LED बूफर व घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में अपना नाम व पता शशांक उर्फ सैंकी व मयंक निवासीगण मोहल्ला बेगमपुरा कस्बा कैराना तथा दीपक निवासी मोहल्ला पंसारियान कस्बा शामली बताया। गिरफ्तार आरोपियों में शशांक उर्फ सैंकी व मयंक सगे भाई हैं। 3 आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। देखिए, जनपद शामली के थाना कैराना अंतर्गत कैराना शामली मार्ग पे एक जुडिशल अफसर के आवास पे 16:17 की रात्रि में एक चोरी हुई थी, जिस 17 तारीख को उनके अर्दली द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना के उपरांत इमीडिएट थाना स्तर पर अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। टीमें लगाई गई थी हर स्तर पे, चाहे वो सर्विलांस की टीम हो, चाहे वो अन्य जो भी पुलिस के अपने माध्यम होते हैं, इसको लगा करके इसको अनावरण करने के लिए प्रयास किया जा रहा था। रात्रि में कराना पुलिस को एक सफलता मिली हुई है, जिसमें 3 चोरों की गिरफ्तारी की गई है। चोरों से जो प्राथमिक स्तर पे विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा बात की गई है, बातचीत के माध्यम से उनके द्वारा दूसरे स्टेट में भी चोरी की बात स्वीकार की गई है। इसके अलावा इस जनपद के समीपवर्ती जनपदों में भी इनके द्वारा चोरी की गई है, और कैराना थाना के अलावा अन्य जो थाना क्षेत्रों में भी कई चोरियों के विषय में इन लोगों द्वारा स्वीकार किया गया है। उसके विषय में पता कराया जा रहा है कि वो चोरियों के जो पीड़ित लोग थे, उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है, नहीं दी गई है, ये सब चीजें पुलिस स्तर से कार्रवाई में ले आई जाएगी। ADJ साहब के जहां तक ये जो जुडिशियल अफसर्स के यहाँ जो चोरी हुई थी, चोरी में LED और लैपटॉप की चोरी हुई थी। पुलिस द्वारा जो 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, इनके निशादेही पे सारे माल की बरामदगी की जा चुकी है। चोर को पुलिस कस्टडी में लेकर के आज जुडिशली कस्टडी के लिए पुलिस के द्वारा पेश किया जा रहा है और विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है। क्या सर, आज तक ये 3 जो आरोपी है जेल गए, इनमें कोई या नहीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज है? नहीं, प्रथम दृष्टया इनसे जो बातचीत हुई है, बातचीत के माध्यम से इन लोगों द्वारा अभी तक किसी भी प्रकरण में जेल जाने की बात नहीं बताई गई है। हम इसको वेरीफाई करा रहे हैं कि इनके द्वारा कितना सच और कितना झूठ बोला जा रहा है। कहाँ ये सामान बेचते थे चोरी करने के बाद? इनके द्वारा बेसिकली ज्यादातर मामलों में जब चोरी की जो घटनाएं की गई हैं, उसमें ज्वेलरी और रुपए वगैरह ही निकाले गए हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी रहा है कि मेन रोड के आसपास ये रेकी करके पहले जहां ताला बंद पाते हैं, वहीं जा करके रात्रि में या कभी कभी दिन में भी ताला तोड़ करके अंदर से पैसे या ज्वेलरी ही लेते हैं। इस घटना में उनके द्वारा ये किया गया था। उनके द्वारा अन्य भी तमाम चीजें बताई गई हैं, जो पुलिस विवेचना में उसको वेरीफाई कराया जा रहा है। सर, घटना का मास्टरमाइंड कौन है? इन तीनों का जो ग्रुप है, इन तीनों के ग्रुप में तीनों ही सातिर हैं, और स्पेशली जो आपका शशांक उर्फ सैंकी है और दूसरा दीपक है, ये दोनों बहुत सातिर हैं। क्या अभियुक्तों से पता चला है इनको पता नहीं था ADJ का मकान है? देखिए, जब कोई अपराधी अपराध करने जाता है तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।